बेसिकली झारखंड की सर्वे रिपोर्ट में तीन चीज़ें हम लोग देखना चाह रहे थे। एक तो ये देखने की कोशिश की गई है कि वोटर्स की प्रायोरिटी या प्राथमिकता क्या है, उनके लिए प्राथमिक मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों के आधार पर वो वोट देने जाएंगे, एक सर्वे रिपोर्ट से हम ये देखना चाह रहे थे। दूसरा हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि उनकी जो प्राथमिकता वाले मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सरकार के कामकाज के परफॉर्मेंस को वो कैसे रेटिंग, कितना रेटिंग, किस रेट में रखते हैं। और तीसरा हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वोटिंग बिहेवियर को थोड़ा हम लोग देखना चाह रहे थे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ये तीन बेसिकली मसला था जिसको इस सर्वे रिपोर्ट में हम लोग देखना चाह रहे थे। झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो तीन जो टॉप प्रायोरिटी अगर वोटर्स की निगाह में देखें तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट या आजीविका का स्रोत ये सबसे महत्वपूर्ण है। उनके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर या हेल्थ केयर की सुविधा ये दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर लॉ एंड ऑर्डर या पुलिसिंग, ये इनके लिए तीन महत्वपूर्ण एजेंडा है। जब इसको ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या आजीविका का स्रोत का अवसर, ये महत्वपूर्ण मसला है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इनपुट, चाहे वो पानी का सवाल हो, चाहे वो फर्टिलाइजर का सवाल हो, सीड का सवाल हो, ये है। और तीसरा एग्रीकल्चर के लिए बिजली, ये तीन उनकी टॉप प्रायोरिटी है। और जब वोटर्स की निगाह से हम सरकार के परफॉर्मेंस को देखें तो टॉप प्रायोरिटी वाले जो मसले हैं उसमें सरकार का परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है। एवरेज हम लोगों ने आउट ऑफ 5 3 को माना था, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का प्रदर्शन वोटर्स की निगाह में संतोषजनक नहीं है, टॉप प्रायोरिटी जो लोगों की। दूसरा जो सिगमेंट है वोटिंग बिहेवियर को लेके, चूंकि ADR काफ़ी लंबे समय से क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग पॉलिटिक्स में नहीं रहे, पार्लियामेंट में नहीं रहे, और लोगों की भी समझ यही है कि पार्लियामेंट में अच्छे लोगों को जाना चाहिए, तो हम लोगों ने ये देखा कि 36% लोगों मानते हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के बाद भी वो वोट डालते हैं। और उनका तर्क है कि वोट इसलिए डालते हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के होने के बाद भी अन्य काम उनका बेहतर है। अन्य काम कहने का मतलब कि वो बहुत सहज तौर पर उपलब्ध हो जाते हैं, वो गलत कार्यों के लिए पैरवी कर देते हैं या दूसरे काम करते हैं जिसकी वजह से हम लोग वोट डालते हैं। वोटर्स प्रायोरिटी में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 17% के आसपास रिस्पांस मिला है करप्शन को। और मुझे लगता है कि हम लोग करप्शन को लेके एक परसेप्शन तो बिल्ड करते हैं, पॉलिटिक्स में परसेप्शन का विषय हो सकता है, लेकिन वोटर्स प्रायोरिटी का अगर हम देखें तो करप्शन जो है वो काफ़ी निचले पायदान पर है।